हमारे देश का कोई शख्स जब दूसरे देश जाकर कोई बड़ा काम करता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन सर फक्र से तब उठता है जब वो उन्हीं के देश में जाकर उन्हीं की धज्जियां उड़ा दे। और हमारे देश में एक ऐसा शख्स है जिसने न सिर्फ रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा बल्कि उसका बेताज बादशाह भी बना, और वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट खली है। वो खली जिसके नाम से ही WWE के लोग कांपने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों हमारा इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानना बनता है, इसलिए आज हम आपको द ग्रेट खली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो द ग्रेट खली रियल फाइट। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ये सब किया जाता है। ऐसे में जब खली का नाम काफी उठने लगा तो ओलंपिक रेसलर किशन कुमार, जो कि हमारे भारत की तरफ से ओलंपिक में फाइट कर चुके हैं, उन्होंने द ग्रेट खली को चैलेंज किया। क्योंकि किशन कुमार का कहना था कि प्रो रेसलिंग केवल एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इसमें किसी भी तरह की फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल है, लेकिन इतने एफर्ट्स डालकर लोगों को अपनी बॉडी के थ्रू एंटरटेन करना भी कोई कम मुश्किल नहीं माना जाता। ऐसे में भले ही ये लोग स्क्रिप्टेड काम करते हो, लेकिन इनके काम में मेहनत होती है जिसे यूं ही चैलेंज करना सही नहीं है। और शायद इसी वजह से किशन कुमार के चैलेंज के बारे में आज तक खली ने कुछ भी नहीं बोला। द ग्रेट खली मूवीज लिस्ट। आप माने या ना माने, लेकिन एक प्रोफेशनल रेसलर होना कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3 बार फाइटिंग करने के साथ साथ कई सारे टॉक शोज और अपनी बॉडी और हेल्थ का पूरा ध्यान देना ही एक इंसान के लिए काफी हो जाता है। और जब ये सब करने के साथ साथ आपको हॉलीवुड में अच्छा खासा काम करने का मौका मिले तो भला कौन छोड़ना चाहेगा। इसी तरह द ग्रेट खली ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एंट्री की। हालांकि द रॉक तो वैसे भी हॉलीवुड इंडस्ट्री में डंका बजा रहे हैं, लेकिन अब बतिस्ता और जॉन सीना ने भी हॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करके तहलका मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब द ग्रेट खली की पर्सनालिटी इतनी शानदार है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी कई सारे रोल ऑफर हुए, और न सिर्फ रोल ऑफर हुए बल्कि उन्होंने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है, जहां उनके इस जायंट साइज की वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। द ग्रेट खली बायोग्राफी। दोस्तों अगर ग्रेट खली की बायोग्राफी की बात की जाए तो इनका असली नाम हम आपको बता चुके हैं, और इन्होंने रेसलिंग की दुनिया में 2006 में एंट्री ली थी, जहां इन्होंने तब से ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और जॉन सीना से लेकर बिग शो और अंडरटेकर तक सभी को शिकस्त देने में कामयाब रहे। इन्होंने कई सारी चैंपियनशिप जीती और अपने फैंस के लिए काफी अच्छी मेमोरीज बनाई, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपना खुद का रेसलिंग स्कूल भी अच्छे से चला रहे हैं। अब ये हैप्पीली मैरिड इंसान है जहां की एक बेटी भी है, और अब ये US में US सिटीजन के तौर पर ऑफिशियली रह रहे हैं। उसके साथ ये प्रोफेशनल रेसलिंग में 8वें नंबर के सबसे टॉलेस्ट रेसलर भी है। इनकी इस ग्रोथ के पीछे जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से इंसान अब नॉर्मल ग्रोथ पाता है। द ग्रेट खली फैमिली डिटेल्स। दोस्तों खली 7 भाई बहन है, जहां इनके पेरेंट्स ने इन्हें पंजाब के गाँव में ही पाला पोसा। इनकी माता का नाम टंडी देवी था और वही इनके पिता का नाम ज्वालाराम था। शुरुआत में इनकी फैमिली के दिन काफी तंगी में रहे, इसी वजह से खली को कई तरह की जॉब्स भी करनी पड़ी ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प दे सके। जाने पंजाब पुलिस के साथ काम करते करते अपनी रेसलिंग पर भी पूरा ध्यान देते थे, और फिर इन्होंने एक्ट्रेस हरमिंदर कौर से शादी की। इसके बाद 2014 में इनकी प्यारी सी बेटी अमरीन हुई। द ग्रेट खली ट्रेनिंग क्लास। दोस्तों जब खली रेसलिंग करके 2015 में इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपना एक कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नाम का रेसलिंग स्कूल खोल लिया, और जब इन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की तो उन्होंने खुद कई सारे न्यूकमर्स को सिखाया। हालांकि उन्होंने रेसलिंग में ज्यादा समय नहीं दिया, पर ये फिर भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, और ये अपना एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करके आगे रेसलिंग के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए ये सब करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेसलिंग करने के लिए इंस्पायर हो और देश में रेसलर्स की संख्या भी बढ़ जाए। नेटवर्थ एंड लाइफस्टाइल। दलीप सिंह राणा के नाम से पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया में द ग्रेट खली के नाम से जाना जाने वाला हमारे भारत का ये लाल आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हम आपको बता दें कि इनके 7.1 इंच के जायंट साइज के साथ साथ इनकी नेटवर्थ भी काफी इम्प्रेसिव है, क्योंकि 2018 तक इनकी नेटवर्थ $1.5 मिलियन थी। ऐसे में अब ये कहां पहुंच गई होगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा लीजिए, और ये पैसे इन्होंने 10 साल प्रोफेशनल रेसलिंग करके कमाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंट होने के साथ साथ ये इंडिया के पंजाब में अपना रेसलिंग स्कूल भी चलाते हैं। इनका स्कूल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से पूरे पंजाब में मशहूर है। हम आपको ये भी बता दें कि द ग्रेट खली काफी रिलीजियस भी है, जहां ये आशुतोष महाराज के फ्रेंड और फॉरएवर दोनों है।
द ग्रेट खलीज हॉबी। वैसे ये कहना तो बहुत आसान है कि द ग्रेट खली की हॉबी इंसानों को उठाकर फेंकना ही होगी, लेकिन अगर असल मायनों में हम इनकी हॉबी की बात करें तो दोस्तों, जब ग्रेट खली अपनी फैमिली के साथ नहीं होते या फिर मेडिटेशन नहीं कर रहे होते तो वो आपको जिम में वर्कआउट करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इनके साइज की वजह से इन्हें अपनी बॉडी पर काफी ध्यान देना पड़ता है और इसी वजह से ये लगातार अपने आप को फिट रखने में लगे रहते हैं। इसी वजह से अपनी डाइट पर भी काफी ध्यान देते हैं और इस चीज का पूरा हिसाब रखते हैं कि कब क्या खाना है और कितना खाना है, तभी तो ये इतने फिट और हेल्थी होते हैं। वरना अंडरटेकर और जॉन सीना को उठा उठा कर फेंकना किसी ऐसे वैसे की बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज हम जब खली की बात ही कर रहे हैं तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि खली ने एक ऐसे रियलिटी शो में काम किया है जिसे देश का नंबर वन रियलिटी शो कहते हैं, जिसमें ये श्वेता तिवारी से हार गए थे। क्या आपको उस रियलिटी शो का नाम पता है? अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आप ही बताएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। द ग्रेट खली ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम खली की बात करें तो इन्हें सबसे ज्यादा इनके जायंट शेप और साइज की वजह से जाना जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब इन्होंने रेसलिंग शुरू की तब ये इस तरह नहीं दिखाई देते थे, बल्कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जब इनका शरीर अपने आप ही अबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू हो गया तो ये और इनकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान होने लगे। हालांकि फिर इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां डॉक्टर रणधीर हस्तीर नाम के इंडियन रेसलिंग गुरु की नजर द ग्रेट खली पर पड़ी और उन्होंने इनका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू करवाया। कहा यह जाता है कि इनका साइज 600 पाउंड का हो गया था। ऐसे में सही भी है, क्योंकि जब बिग शो जैसे 500 पाउंड के इंसान को उठाकर पटकना हो तो इतना जेंट वेट तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, और ताकि हम फ्यूचर में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाते रहें। द ग्रेट खली किस। दोस्तों, ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि अगर आपको रिंग में होने वाले उस मैच के बारे में पता हो जहां पर लड़ाई दो लोगों से शुरू होती है, लेकिन एक एक करके 30 लोग पूरी रिंग में आ जाते हैं और फिर जो कोई भी रिंग के बाहर जमीन में टच कर जाता है वो गेम से आउट हो जाता है। ऐसे में इस तरह के गेम काफी ज्यादा पॉपुलर थे। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग तो रेसलिंग के लिए पागल हो जाया करते थे और कई बार द ग्रेट खली ने लोगों को शिकस्त दी। पर 2010 में जब ब्रेथ फिनिक्स नाम की एक महिला ने उन्हें रिंग से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब फिनिक्स रिंग के अंदर आई तो खली उन्हें उठाकर बाहर फेंक रहे थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, फिर चाहे वो ताकत से हो या बुद्धि से, लेकिन फिनिक्स ने ऐसा करके दिखा दिया। द ग्रेट खली बिगेस्ट विन। वैसे तो द ग्रेट खली के करियर में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जहां पर कई बार वो जीते और कई बार हारे भी हैं, क्योंकि इनके साइज की वजह से इंडस्ट्री के ग्रेट लेजेंड्स अंडरटेकर और बिग शो जैसे फाइटर्स को इनके साथ लड़ाया जाता था। और जब 2007 में जॉन सीना ने इन्हें हरा दिया तो इनके गुस्से की आग इतनी तेज भड़की कि खली ने कई सारे दूसरे कंटेंडेंट को घुटनों के बल लाना शुरू कर दिया, जिसमें वो शॉन माइकल के साथ साथ रैंडी ऑर्टन की भी खटिया खड़ी करने में जुटे थे। और जो भी खली के सामने आता, खली उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर रख देते। इसी वजह से जब फाइट हुई तो खली ने माइकल को हराकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की और उस जीत में उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। द ग्रेट खली एंड द CWE। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि खली ने अपना रेसलिंग स्कूल खोला है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस रेसलिंग स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट होकर डायरेक्ट प्रो रेसलिंग के फील्ड में भी आए हैं? जी हाँ दोस्तों, 2017 में WWE ने नए टैलेंट को शोकेश करने के लिए टूर्नामेंट रखा, जिसमें कोई और नहीं बल्कि कविता देवी आई थी। और शायद ही किसी को ये ना पता हो कि कविता देवी खली के स्कूल से ग्रेजुएट होकर आई हैं। और सिर्फ कविता देवी ही नहीं बल्कि कई और स्टूडेंट्स, जिसमें सत्येंद्र दगार और लवप्रीत सांगा नाम के रेसलर भी प्रो रेसलिंग के फील्ड में आ चुके हैं, और ये सभी खली के स्कूल से ग्रेजुएटेड है। ऐसे में इनकी स्कूल के रेपुटेशन के साथ साथ उसकी सक्सेस भी काफी अच्छी है।